तो दोस्तों यहाँ से स्टार्ट होता है एनिहिलेशन मूवी का पार्ट टू। अगर आपने अभी तक पार्ट फर्स्ट नहीं देखा है तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि प्लीज आप पार्ट फर्स्ट जरूर देखें, क्योंकि असली मसाला तो यहाँ से स्टार्ट होता है। लेकिन अगर आपने पार्ट फर्स्ट के बेसिक नहीं जाने तो ये मसाला आपको खिचड़ी ही लगेगा। तो हम बात कर रहे थे कि आखिरकार लीना का घर यहाँ पर पहुंचा कैसे। तो एक्चुअल में लीना का घर कहीं नहीं पहुंचा है, उसका घर वहीं पर है जहाँ पर था। ये बात हमें नोटिस करनी चाहिए थी कि सिमर के अंदर आते ही हम लोगों ने म्यूटेशन देखा था। सबसे पहले पेड़ पौधों में म्यूटेशन हुआ था, फिर जो क्रोकोडाइल था उसमें म्यूटेशन हुआ था। मतलब सिमर के अंदर एंटर करते ही कोई भी चीज हो वो म्यूटेशन की शिकार जरूर होगी। तो ऐसा क्या है इन लोगों में जो ये लोग म्यूटेशन के शिकार नहीं हुए? तो ऐसा कुछ भी नहीं है जो इन्हें म्यूटेशन से बचा सके। ये लोग तो शिमर के अंदर एंटर करते ही म्यूटेशन के शिकार हो गए थे। इस बात का प्रूफ जानना हो तो आप याद करो, ये लोग जैसे ही शिमर में एंटर किए थे तो बेहोश होकर के उस टेंट के अंदर पता नहीं कैसे आ गए थे। तो एक्चुअल में ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था। इन्होंने जब सिमर के अंदर एंटर किया था तो ये नॉर्मल थे। इन्होंने आसपास की चीजों को ऑब्जर्व किया, कुछ रिसर्चेस की, कुछ सैंपल्स लिए, आपस में कुछ डिस्कशन किया। ऐसे करते करते इन्होंने दो दिन भी बिता दिए थे। पर एक रात सोने के लिए जब ये लोग टेंट लगाते हैं और उसके अंदर सो जाते हैं तो अगली सुबह जब इनकी आंख खुलती है तो दो दिन से चल रहा म्यूटेशन इतना ज्यादा हो जाता है कि वो उनके दिमाग पर कंट्रोल पा लेता है। तभी उनके दिमाग में चल रहे म्यूटेशन ने उनकी पिछले दो दिन की सारी मेमोरी ही इरेज कर दी थी। इस वजह से जब वो टेंट पर से सो के उठते हैं तो उन्हें ये लगता है कि अभी अभी ये लोग सिमर के अंदर आए हैं और डायरेक्टली टेंट में पहुंच गए हैं। अब इस बात का भी प्रूफ चाहिए हो तो आप याद करो उस खाने को। इस वातावरण में कोई भी डिफरेंस नहीं है। वो सड़ा बस इसलिए था क्योंकि उस खाने को तीन दिन हो गए थे। अब तीन दिन तक कोई खाना कैसे चल सकता है? इसी वजह से वो खाना सड़ गया था और इन्हें ये लग रहा था कि शायद यहाँ के वातावरण में कुछ दिक्कत है। हाँ, तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब आगे बात करते हैं कि लीना को वहां पर घर क्यों दिखाई दे रहा था। तो जैसे जैसे ये लोग लाइट हाउस की तरफ बढ़ रहे हैं, म्यूटेशन और भी ज्यादा स्ट्रांग होता जा रहा है, क्योंकि एक्चुअल में जो म्यूटेशन है वो तो लाइट हाउस से ही स्टार्ट हुआ था। तो जितना ये लोग लाइट हाउस के पास जाएंगे म्यूटेशन उतना ही स्ट्रांगली इन पर अटैक करेगा। और यही रीजन है कि म्यूटेशन ने उनके दिमाग पर इस तरह से कब्जा कर लिया है कि अब लीना हेलुसिनेट करने लगी है और उसे उसका घर दिखाई दे रहा है। अब आप बोलोगे लीना को ही दिखाई दे रहा है? ऐसा नहीं है, उसके साथ जितने भी उसके साथी है उन सभी लोगों को उनका अपना घर दिखाई दे रहा है, लेकिन हमें लीना की नजरें दिखाई जा रही है। वो मूवी की मेन कैरेक्टर है इसलिए हमें लीना का घर दिखाई दे रहा है। अगर हमें किसी और कैरेक्टर की नजरों से दिखाया जाता तो हमें उसका घर भी दिखाई देता। यहाँ पर एक बात और समझने वाली है कि इस सिमर के अंदर आते ही इनकी रेडियो सिग्नल्स, इनका कंपास और कोई भी डिवाइस जो ये साथ में लेकर आते हैं वो वर्क करना क्यों बंद कर देती है। इसे समझाने के लिए एक छोटा सा और कॉन्सेप्ट समझाना पड़ेगा, वो आगे समझाएंगे। पहले मूवी की स्टोरी को कंटिन्यू करते हैं ताकि आप और भी डिटेल समझ पाओ। म्यूटेशन ने उनके दिमाग पर इस तरह से कब्जा कर लिया है कि वो लोग अब धीरे धीरे पागल हो रहे हैं। और इसका सबसे पहला असर पड़ता है आन्या पर। वो रात में इतनी बुरी तरह से पागल हो जाती है कि वो इन तीनों को ही गन पॉइंट करके बंदी बना लेती है, क्योंकि उससे ये लग रहा था कि ये तीनों पागल हो गए हैं और वो आन्या को मारने वाले हैं। पर इतने में ही आन्या को केसी के चीखने की आवाज सुनाई दी। मेरी मदद करो। अब केसी कैसे चीख सकती है क्योंकि उसकी डेथ तो पिछली ही रात को हुई थी। हमने देखा था उसे किसी जानवर ने फाड़ कर खा लिया था। पर आन्या इस सब बातों पर ध्यान नहीं देती और वो उस आवाज को फॉलो करने लगती है। पर तभी हमें किसी चीज को बहुत जोरों से पटकने की आवाज सुनाई देती है और हम देख पाते हैं कि कोई और नहीं, ये एक बेयर है जो कि पिछली रात को उनके घर आ गया था। पर उसके अंदर एक बहुत ही अजीब चीज थी। उसके अंदर से आन्या चीख रही थी, हेल्प मी, हेल्प मी, मेरी मदद करो। अब ये चीज बहुत ज्यादा अजीब है क्योंकि ऐसा भी नहीं है कि आन्या उसके पेट के अंदर है और जिंदा है तो वो चीख रही हो, क्योंकि हम लोगों ने आन्या को तो वैसे भी जंगल में देखा ही था, वो मर चुकी है और वहां पर पड़ी है। तो इसके अंदर से आन्या की आवाज कैसे आ रही है? इसका बहुत ही सिंपल सा आंसर है, जैसा मैंने आपको म्यूटेशन के बारे में बताया था ठीक वही चीज इस बियर के साथ हुई है। बियर का जो डीएनए था वो उसके पास था ही, और आन्या को जब उसने मार कर खाया तो उसके डीएनए के साथ बियर का डीएनए म्यूटेट हो गया और यही रीजन है कि वो आन्या की तरह बोल पा रहा है। पर फॉर्चुनेटली उस बियर की आंख फूट चुकी थी, शायद आन्या से लड़ते दौरान आन्या ने उसकी आंख फोड़ दी होगी। इस वजह से बियर उन्हें देख नहीं पा रहा था, बस उनकी आवाज सुन करके उन्हें मारने जा रहा था। पर इतने में ही केसी उसे अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेती है और बियर उसे फाड़ कर खा लेता है। सही समय पर लीना ने भी खुद को आजाद कर लिया और वो उस बियर को मार देती है। अगली सुबह जोसी भी नोटिस करती है कि उसकी बॉडी से कुछ प्लांट्स बाहर आ रहे हैं और उसे समझ में आ जाता है कि
उसका डीएनए म्यूटेशन भी हो चुका है। इस वजह से वो हिम्मत हार जाती है और लीना को वहीं बैठकर उसका वेट करने बोल वो वहां से आगे बढ़ जाती है। पर लीना ने नोटिस कर लिया था कि उसकी बॉडी से प्लांट्स बहुत जोर जोर से निकल रहे हैं, तो वो उसका पीछा करने लगती है। पर जब तक वो उसके पास पहुंच पाती वो उन्हीं पौधों में से एक बन चुकी थी। लीना इस चीज से बहुत ज्यादा टूट जाती है और वो डिसाइड करती है कि अब वो कुछ और नहीं खोना चाहती। वो सीधा लाइट हाउस की तरफ बढ़ती है। लाइट हाउस के पास हम बहुत सारे पेड़ पौधों को देख पाते हैं जो बिल्कुल कांच के बन चुके थे। यहाँ पर कुछ कंकाल भी रखे हुए थे, पर इन्हें यहाँ पर इस तरह से सजा कर क्यों रखा गया ये चीज भी सोच समझ कर की गई है। थोड़ी देर में वो भी आपको पता चल जाएगा। तो लीना जब लाइट हाउस के अंदर जाती है तो वहाँ पर उसे एक जली हुई बॉडी दिखाई देती है। आसपास देखकर के साफ समझ में आ रहा है कि वो एक एक्सप्लोजन में जली है। उसके सामने एक कैमरा रखा था, शायद हो सकता है उसने अपने आखिरी समय पर यहाँ का राज बताया हो। ये सोचकर लीना उस कैमकॉर्डर को ऑन कर देती है, जिसमें उसने देखा कि उसके अंदर कोई और नहीं बल्कि उसका ही हस्बैंड काल था, जो कि अपने सामने किसी से बात कर रहा था। इसके बाद बहुत ही अजीब सी कुछ क्लिप्स चलने लगती है और यहीं पर हम इंसानों जैसी दिखने वाली एक आकृति देखते हैं, जिसके बाद वापस काल हमारे सामने आ जाता है, जिसके हाथ में एक एक्सप्लोजन था। ये एक फास्फोरस एक्सप्लोजन है, तो वो उस एक्सप्लोजन के बारे में हमें बताने लगता है। अब मरने से पहले कोई अपने एक्सप्लोजन के बारे में क्यों एक्सप्लेनेशन देगा, ये बात हमें भी समझ नहीं आती। खैर, उसने अपने बॉम्ब के बारे में सब कुछ बताया, जिसके बाद वो उस बॉम्ब से ही अपने आप को खत्म कर लेता है। और तभी हम देखते हैं काल को, जो कि कैमरे के पीछे से सामने आता है। एक्चुअल में ये काल नहीं है, ये तो काल का क्लोन है, जिसने खुद को खत्म किया है वो काल था। और काल के दिमाग पर म्यूटेशन का कुछ इतना हद तक असर हो गया था कि वो रियल काल और फेक काल को पहचान भी नहीं पा रहा था। उसे यही नहीं पता था कि वो काल है या जो सामने खड़ा है वो काल है। उसके बॉडी ऑर्गन भी म्यूटेट होकर के बिल्कुल लिक्विड की तरह फ्लो होने लगे थे। एक तरफ दिमाग की वो कश्मकश और दूसरी तरफ बॉडी ऑर्गन्स का इस तरह से मूव होना वो झेल नहीं पा रहा था। तभी उसने खुद को खत्म कर लिया। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि मूवी के स्टार्टिंग में जिस काल को हमने देखा था वो जवाब क्यों नहीं दे रहा था, क्योंकि वो रियल काल था ही नहीं, वो तो ये काल था जिसे लीना के बारे में कुछ भी नहीं पता है। बस काल के आखिरी समय पर काल ने लीना को याद किया था, तभी उसकी मेमोरी में सिर्फ लीना थी। पर एक बात अभी भी समझ नहीं आती कि जैसे मूवी के स्टार्टिंग में डॉक्टर वेंट्रस ने कहा था कि वो काल कब इस सिमर से बाहर निकला कोई भी जान नहीं पाया, मतलब काल लाइट हाउस में तो था पर वो सिमर से बाहर कब निकला और लीना के घर पर कब पहुंचा ये बात किसी को नहीं पता। खैर, यहीं पर उसे एक होल दिखाई देता है जिसे देखकर भी बिल्कुल ट्यूमर सा एहसास हो रहा था। खैर, वो उस होल के अंदर चली जाती है और वहाँ का जो इंटरफेस था वो भी बिल्कुल ट्यूमर जैसा ही था। लेना जब उसे क्रॉस करती है तो वहाँ पर ऑलरेडी डॉक्टर वेंट्रस थी, जो उसे बताती है कि यहाँ पर कोई एनर्जी है जो मेरे अंदर है और मुझे नहीं पता कि वो आखिर चाहती क्या है। वो बस कुछ ढूंढ रही है और वो तब तक एक्सपेंड होती रहेगी जब तक वो चीज उसे मिल नहीं जाती। ये बातें वो उसे बता रही थी कि इतने में ही वो एनर्जी उनके मुंह के थ्रू बाहर निकलने लगती और इसी वजह से डॉक्टर वेंट्रस भी वहीं पर दम तोड़ देती है। यहाँ पर हम देख पाते हैं कुछ ब्लैक होल टाइप का नजर आ रहा था, जो कि एक्चुअल में वही चीज है जो स्पेस से नीचे गिरी थी। मतलब सारी फसाद की जड़ सिर्फ ये ब्लैक होल है। आज सीरियस मत लेना, ये कोई ब्लैक होल नहीं है, जस्ट इसे रिप्रेजेंट करने के लिए ये नाम दिया है, ब्लैक होल। लीना उसे देखते ही उसकी तरफ अट्रैक्ट होने लगती है और वो जैसे ही उसके पास पहुंची उसकी आंखों से एक खून का कतरा निकलता है और वो उसी ब्लैक होल में चला जाता है। और देखते ही देखते उसके सामने एक ह्यूमन जैसी आकृति बनकर आ जाती है, जैसी ठीक काल के सामने आई थी। वो उसे देखकर इतना डर जाती है कि तुरंत ही बुलेट से उसे शूट करने लगी, पर उससे उसे कुछ भी नहीं होता और लीना जान बचाकर वहां से भागने की कोशिश करती है। पर वो जब तक होल से निकल पाई इससे पहले ही वो आकृति बाहर आ चुकी थी। लीना को बिल्कुल भी समझ नहीं आता कि आखिर ये बाहर कहां से आई। वो उससे बचकर भाग रही थी पर वो उसे भागने नहीं देती और पकड़ लेती है। इस बीच लीना ने एक चीज नोटिस किया कि वो आकृति लीना की कॉपी कर रही है, जैसे जैसा लीना कर रही है वो भी वैसा वैसा कर रही है। इस बात का फायदा उठाते हुए लीना उसे एक ग्रेनेड उसके हाथों में थमा देती है। उसके जाते ही ग्रेनेड ब्लास्ट कर जाता है, जिससे उस एलियन को खास फर्क नहीं पड़ता पर उसके हाथ जल जाते हैं। एलियन को ये चीज एक नया एहसास दे रही थी, जैसे मानो उसने आज से पहले कभी ये आग वाली एनर्जी देखी ही ना हो। वो इससे काफी खुश हो जाता है और चारों तरफ इस एनर्जी को स्प्रेड करने लगता है, जिस वजह से चारों तरफ आग लग गई और वो लाइट हाउस उसी में जल जाता है।
है। लाइट हाउस के जलते ही वो सिमर भी खत्म हो गया, क्योंकि एक्चुअल में इस पूरे सिमर का केंद्र तो वो लाइट हाउस ही था और वो जल चुका है, यानी वो एलियन भी जल चुका है, तो वो सिमर अब खत्म हो चुका है। खैर, यहाँ से निकलकर जब वो बाहर जाती है तो उसे साइंटिस्ट की एक टीम पकड़ लेती है और उसे क्वारंटाइन कर देती है। इस बीच उनके दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चन थे उस सिमर को लेकर, जो एक एक करके वो उससे पूछने लगते हैं। यहाँ पर आपकी भी सारे सवालों के जवाब मिलने वाले हैं जो सच में सर घुमा देंगे, जिसमें सबसे पहला सवाल उनका यही था कि आखिरकार वो 4 महीने तक अंदर सर्वाइव कैसे कर गई, क्योंकि उन्हें तो खाना बस 1 हफ्ते का ही दिया गया था। ये बात जब लीना सुनती है तो वो उन्हें समझाते हुए कहती है कि मुझे वहाँ गए हुए 1 हफ्ते ही हुए, मैं वहाँ पर 4 महीने से नहीं थी। साइंटिस्ट उसे करंट की डेट और मंथ बताकर क्लियर करते हैं कि उसे अंदर गए हुए 4 महीने हो चुके हैं। अब ये बात लीना को भी समझ नहीं आती कि ये क्या चीज है, और ये चीज हम आपको बता दें, ये चीज आपने भी क्लास 10th या 11th में जरूर पढ़ी होगी, प्रकाश का परावर्तन। यूपी बोर्ड हिंदी माध्यम से रहे होगे तो कुमार मित्तल की किताब का पहला ही चैप्टर है, और अगर इंग्लिश मीडियम से हो तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ा होगा। उसके बाद अगला चैप्टर प्रकाश का अपवर्तन, और फिर आता है 3rd प्रिज्म। प्रिज्म में आपने एक चीज पढ़ी होगी कि प्रिज्म जो होता है वो प्रकाश की लाइट को अपने अंदर लेकर के इतना ज्यादा रिफ्लेक्ट करता है कि प्रकाश की लाइट अपने उन 7 बेसिक रंगों में टूट जाती है। और एक चीज जो उस लाइट के साथ और होती है वो ये कि उस लाइट की गति धीमी हो जाती है, मतलब उसकी स्पीड स्लो हो जाती है। जिस स्पीड से वो आ रही थी वो उस स्पीड से जा नहीं पाती। ये कॉन्सेप्ट अगर आपको समझ में आ गया तो बस गुरु, मूवी तुम्हारे पल्ले पड़ गई। ये जो सिमर था ये बिल्कुल एक प्रिज्म की तरह काम कर रहा था, और इस चीज की झलक आप ऐसे ही लगा सकते हो कि प्रिज्म को अगर हम प्रकाश में देखते हैं, मतलब लाइट में देखते हैं, तो वो हमें रंगीन कलरों में दिखाई देता है। ठीक ऐसा ही इस सिमर के साथ भी था, आपने देखा होगा वो हमें रंगीन कलर में दिखाई दे रहा था। और ये चीज आपने शायद रिलेटिविटी की थ्योरी में पढ़ी होगी कि जो प्रकाश की लाइट होती है वो समय पर निर्भर करती है। जब वहां पर प्रकाश ही बहुत ज्यादा स्लो चल रहा है, दैट मींस टाइम भी बहुत ज्यादा स्लो चलेगा। बाहर टाइम अपनी नॉर्मल स्पीड पे चल रहा है, पर अंदर टाइम इतना ज्यादा स्लो था कि बाहर जब 4 महीने बीत गए, अंदर बस 1 हफ्ते ही हुए थे। पर यहाँ पर एक बात और जान लेने वाली है कि चलो ठीक है, समय का हमने मान लिया, लेकिन भूख का क्या करें, उन्हें भूख क्यों नहीं लग रही थी? 4 महीने कोई बिना खाए कैसे जिंदा रह सकता है? जिसका एक सीधा सा आंसर है कि जब वो लोग सिमर के अंदर पहुंचे ही थे कि तभी उनकी बॉडी ने म्यूटेशन को अडॉप्ट कर लिया था, और धीरे धीरे जब म्यूटेशन उनके ब्रेन पर पहुंचता है, उस पर कब्जा करता है, तो वो उन्हें इस तरह से रिप्रेजेंट कर रहा था जैसे उन्हें भूख लग ही ना रही हो। हमें भूख तब लगती है जब हमारा पेट हमें ये सिग्नल देता है, लेकिन उन सभी लोगों का ब्रेन उन्हें ये सिग्नल ही नहीं दे रहा था कि उन्हें भूख लग रही है। इस वजह से वो लोग सिमर में इतना समय रहे लेकिन फिर भी उन्हें भूख नहीं लगी। अब बात करें अगर भूख नहीं लगी तो एनर्जी कहां से आती थी, तो सीधी सी बात है म्यूटेशन उनके अंदर एनर्जी जनरेट कर रहा था। हाँ, तो अब बात करते हैं कि इस सिमर के अंदर आ जाने पर कोई भी डिवाइस वर्क क्यों नहीं करती है। तो इसका रीजन भी बिल्कुल सिंपल सा है। मैंने आपको बताया कि प्रिज्म सनलाइट को डाइवर्ट कर देता है और उसकी स्पीड को बहुत ज्यादा स्लो कर देता है, और सनलाइट को बहुत ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है उस प्रिज्म से बाहर निकलने के लिए। अब वो तो एक छोटा सा प्रिज्म और इतना ज्यादा डेंस भी नहीं होता जितना कि ये शिमर है, तो इसका मतलब यहाँ पर सनलाइट को ट्रेवल करने में और भी ज्यादा प्रॉब्लम होगी। और सनलाइट एक वेव होती है, आपने भी पढ़ा होगा हाई स्कूल इंटर में कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है, और अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को सफर करना पड़ रहा है तो बाकी वेव्स को भी सफर करना पड़ेगा। और ये जितनी भी कम्युनिकेशन वाली डिवाइसेस अपने साथ लेकर आते हैं वो सब वेव्स से ही तो काम करती हैं। इस वजह से हमें बस ऐसा लगता है कि कोई भी डिवाइस काम नहीं कर रही है, एक्चुअल में वो प्रॉपर काम कर रही है। वो अपने वेव्स बराबर से एमिट कर रही है, मतलब बराबर से निकाल रही है, लेकिन वो इस सिमर के अंदर इतनी ज्यादा डाइवर्ट होती है कि वो बाहर निकल ही नहीं पाती। इसी वजह से इनका वॉकी टॉकी या कोई भी कम्युनिकेशन डिवाइस जिसकी हेल्प से कम्युनिकेट करने के लिए वेव जनरेट करते हैं, तो वो वेव सेंडर से तो निकल जाती है पर रिसीवर के पास जा ही नहीं पाती। एक बात जो और परेशान कर रही थी कि काल आखिरकार उस सिमर से बाहर आया कब, जब कोई उसे देख नहीं पाया। तो इसका आंसर भी बिल्कुल सिंपल सा है। जिस चीज को मैं ब्लैक होल कह के रिप्रेजेंट कर रहा था उसमें एक तरह की पावर्स थी जो आपको टेलीपोर्ट कर सकती थी। इस बात का प्रूफ अगर आपको देखना हो तो आप उस सीन को देखो जब लीना उस एलियन को गोलियों से मार रही थी लेकिन उससे कुछ हुआ नहीं था, तो लीना बाहर भागने लगी गड्ढे से निकलने के लिए, लेकिन उससे पहले ही वो एलियन वहां पहुंच गई थी। मतलब उसने उसी ब्लैक होल जैसी चीज का यूज किया था टेलीपोर्ट करने के लिए। और ठीक ऐसा ही कार्ल के बने हुए उस एलियन ने भी किया था। उसने कार्ल के माइंड से
बस दो ही चीजें उठाई थी, एक लीना और दूसरा उसका बेडरूम। उसे बस काल की लाइफ के बारे में इतना ही पता था। तभी वो यहाँ से टेलीपोर्ट होकर के सीधा लीना के बेडरूम पर आया और वो बस लीना को ही जानता था, इसके अलावा उसे और कुछ नहीं पता। और लास्ट में एक चीज बचती है कि वो जो कंकाल लाइट हाउस के बाहर रखे गए थे वो इस तरह से सजा कर क्यों रखे गए थे, जिसका रीजन यही है कि इससे पहले जो लोग आए थे वो लोग यहाँ की चीजों को एक्सपीरियंस कर पा रहे थे और उन्हें पता था कि लाइट हाउस में जो एक बार चला गया वो तो कभी वापस नहीं जा सकता। इसी वजह से एज अ डेंजर रिप्रेजेंट करने के लिए उन्होंने ये सभी कंकाल को इसके सामने रखा था। खैर, मूवी के एंडिंग पर लीना को अलाउ कर दिया जाता है कि वो काल से मिल सकती है, पर यहाँ पर काल उससे बहुत अजीब क्वेश्चन पूछता है। वो उससे पूछता है कि तुम सच में रियल वाली लीना हो। इस पर लीना उसे कोई रिप्लाई नहीं करती और हम समझ जाते हैं कि ये लीना रियल नहीं है, बल्कि रियल लीना तो उसी लाइट हाउस में जलकर मर गई थी। ये तो वही क्लोन वाली लीना है जो उस लाइट हाउस को जलाकर बाहर आ गई थी। इस चीज का प्रूफ हम उन दोनों की आंखों में देख पाते हैं क्योंकि उनकी आंखों में शिमर साफ साफ नजर आ रहा है। ये चीज हमें रिप्रेजेंट कर रही है कि ये लोग अब इस दुनिया में आ गए, मतलब इस दुनिया के सभी लोगों को इन्फेक्ट करेंगे और उनके अंदर भी वही डीएनए म्यूटेशन होगा और बहुत ही जल्दी ये पूरी दुनिया उन्हीं एलियंस की तरह बदल जाएगी। खैर, मूवी के आखिर में एक चीज और बोलनी चाहिए, ये जरूरी भी है। इस चीज के लिए मूवी के ओनर्स को अप्रिशिएट भी करना चाहिए क्योंकि ये मूवी जैसे कि हमें देखने में लग रही है कि ये एक एलियन मूवी है, पर एक्चुअल में इसे एलियन मूवी के पर्पज से नहीं बनाया गया है। जब मैं इस मूवी पर रिसर्च कर रहा था तो मुझे कई सारे ऐसे आर्टिकल मिले जो इस मूवी के बनने का एक्चुअल रीजन बताते हैं। इस मूवी को ट्रिब्यूट किया गया है उन कैंसर पेशेंट्स को जो कि कैंसर में सफर कर रहे हैं। मूवी के बीच में मैंने आपको एक बात बताई होगी कि यहाँ पर जितना भी डीएनए का म्यूटेशन हो रहा है वो सब ट्यूमर की तरह दिखाई दे रहा है। ऐसा इसीलिए था क्योंकि उन्हें कैंसर रिप्रेजेंट करना था। इसके साथ साथ मूवी के बीच में सेल्स का इतना डिटेल एक्सप्लेनेशन देना और इस चीज को भी बताना कि अगर सेल्स में कोई इन्फेक्शन हो जाता है तो डेथ हो जाती है, ये चीज कैंसर को ही रिप्रेजेंट कर रहा था। उन लड़कियों का डिप्रेशन फेस करना, मौत को आसान समझ लेना, डॉक्टर वेंट्रेस का कैंसर से सफर करना, ये चीज भी कैंसर को ही रिप्रेजेंट कर रहा था। इसी के साथ साथ सिमर का कॉन्टिन्यूस बढ़ते रहना भी इस चीज को रिप्रेजेंट करता है कि कैंसर भी कॉन्टिन्यूस बढ़ता जाता है तब तक जब तक वो आपको पूरी तरह से खा ना ले। ठीक वैसा ही सिमर भी था। सिमर के अंदर जाकर कोई वापस नहीं लौट सकता, ये चीज भी कैंसर को ही रिप्रेजेंट करता है। लास्ट में उनकी आंखों में सिमर दिखना, ये चीज भी कैंसर को रिप्रेजेंट करता है कि आप एक बार कैंसर से क्योर हो सकते हो ऐसा बस आपको लगेगा, पर कैंसर कभी भी आपका पीछा नहीं छोड़ता। मूवी के बीच में आपने जूसी को देखा होगा जब वो हिम्मत तोड़ देती है और तुरंत ही म्यूटेट होकर के उन्हीं पौधों में से एक बन जाती है, ये चीज भी कैंसर को ही रिप्रेजेंट कर रहा था। कैंसर पेशेंट तब तक अपनी बीमारी से फाइट करता रहता है जब तक वो मेंटली उस चीज के लिए एबल है, पर एक समय के बाद जब वो हार मान लेता है तो ऐसे में उनको बचाने के चांसेस और भी ज्यादा कम हो जाते हैं और यही चीज जोशी के साथ होता है। वो इतने समय से सिमर के अंदर थी पर वो कभी म्यूटेट नहीं हुई, लेकिन जैसे ही उसने अपने अंदर हार मान ली वो तुरंत ही पौधे में बदल जाती है। तो ये था ओवरऑल एक्सप्लेनेशन। दोस्तों, ये चीज आप भी नोटिस कर रहे होगे कि इस मूवी को बनाने में मैंने कितनी ज्यादा मेहनत की है, तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि एक लाइक करके आप हमें मोटिवेट जरूर कीजिएगा। यदि वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यदि ना पसंद आई हो तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। मुझसे बात वगैरह करनी हो या आप मुझे देखना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर मिल सकते हैं। मेरी इंस्टा आईडी है आपका शिवाय, जो कि आपको स्क्रीन पर दिख रही है और लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। जाते जाते प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।